जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूं, अर्थात जन्म लेता हूं। सज्जनों की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश और धर्म के पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतरित होता हूं। जब जब संसार में अत्याचार बढ़े, पापियों का सर उठा, तो किसी न किसी रूप में एक अदृश्य शक्ति जिसे हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सिख गुरु कहते हैं और ईसाई ईसा मसीह कहते हैं, इस शक्ति ने विभिन्न रूपों में धरती पर जन्म लिया। जैसे कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में पांडवों के साथ हो रहे अत्याचार व पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप के लिए अवतरित हुए। महाभारत के समय शकुनी व दुर्योधन की कुटिल चालों के आगे महाबली पांडवों ने घुटने टेकते हुए 12 वर्ष वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास का वचन पालन करते हुए देश के विभिन्न स्थानों पर ठहरे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थान जिला सोलन तहसील अर्की के सरियांज में स्थित है, जिसे लोग आज बाड़ीधार के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अर्की जिला सोलन का प्रमुख शहर और पर्यटक स्थल के रूप में मशहूर है। यहां से बाड़ीधार लगभग 28 किलोमीटर है। इस रास्ते में दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियां हैं। मौसम हमेशा सुहाना रहता है। हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। पहाड़ियों पर हमेशा धुंध छाई रहती है। बाड़ीधार जाते समय ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच से होकर जा रहे हैं। सरियांज में सुबह 4 बजे पूजा का पहला दिन। आज से 8 दिन बाद बाड़ादेव के प्रमुख मंदिर पर 5 पांडव के मिलन का समारोह यहां के निवासी 5 पांडव मेला के रूप में मनाते हैं। इस 5 पांडव मिलन को मनाने के लिए यहां के निवासी सरियांज, सारमा और देवथल में 5 पांडव मंदिर बनाए हुए हैं और तीनों गांवों में सुबह, दोपहर और शाम को पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांचों पांडव बाड़ीधार से इन्हीं 3 गांवों में आकर भिक्षा मांगते हैं और वापस बाड़ीधार जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जागृत रखने के लिए हर साल 5 पांडव मेला मनाया जाता है। यह है सारमा का मंदिर। यहां पर युधिष्ठिर की पूजा होती है। यहां की पूजा प्रक्रिया भी बिल्कुल सरियान जैसी ही होती है। इसी प्रकार पूजा अर्चना चलती रहती है और स्थानीय लोग इन दिनों सिवाय पूजा अर्चना के अन्य और कार्य नहीं करते। यहां तक कि लोग ब्याह या कोई भी समारोह नहीं करते। आज बेल बजा के पूजा करने का 8वां दिन है। आज के दिन सरियांज के इस मंदिर में इस ड्रम की पूजा की जाती है। इस ड्रम को स्थानीय भाषा में टमक कहा जाता है। इस टमक को यहाँ पर बजाकर बोइला के प्रमुख मंदिर पर ले जाया जाता है। यहाँ पर पैंता बना हुआ है, इसे हम आपको अवगत करवाते हैं। ये पैंता
इसलिए यहाँ बना हुआ है कि जितने भी यहाँ पर पूज आते हैं शर्मा देवथली अश्रयान से जितने भी पूज आती है पहले सबसे पहले यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर वो सारी पूजें बजाई जाती हैं, जिसके बाद सारे देवी देवता यहाँ से नीचे जाते हैं। जागरण की इस रात को यहाँ के स्थानीय निवासी बाड़ादेव के इस पावन स्थल पर दर्शन के लिए आते हैं और अपने सारे सुख दुख भूलकर पूरी रात पूजा करके जागरण करते हैं। सरयांज, सारमा और देवथल से पूज आती है। तीनों पूजे एक साथ ही एक समय पर मंदिर के परिसर में होती है और फिर पांच पांडवों की पूजा होती है। रात खत्म होते ही सूर्य ने अपनी पहली किरण के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाड़ादेव के मेले का दिन है। सारमा, देवथल और सारयांज के बोयला मंदिर पर पांचों पांडवों की पालकियां दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। लोगों में उत्साह है और भक्ति भाव से भरे पड़े हैं। आज वो आखिरी दिन आ गया है जब तीनों गाँव में पांचों पांडवों की सवारियां पालकी में सवार होकर बाड़ीधाम के प्रमुख मंदिर में आकर पांडवों की सवारी सबसे पहले सरमा के मंदिर से निकलती है। आप देख सकते हैं कि सरमा के इस मंदिर पर पांडवों के दर्शन पाने के लिए कैसा जुलूस इकट्ठा हुआ है। हर कोई पांच पांडवों की मूर्ति को छूना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है। समय आते ही पांडवों की सवारी निकाली गई। पांडवों की पालकी आगे आगे चल रही है, लोगों का जुलूस पीछे पीछे चल रहा है। इसे यहाँ के लोगों की भक्ति और श्रद्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये लोग जैसे ही पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, सरयांज के लोगों को झंडे से इशारा करते हैं। सरयांज में भी पांच पांडव
पालकी में सवार खड़े हैं। सरयांज के लोग जैसे ही झंडे का इशारा पाते हैं वो समझ जाते हैं कि अब पांच पांडवों की सवारी निकलने का समय आ गया है। झंडे को देखकर सरयांज के लोग पांडवों की पालकी उठाकर पाड़ीधार की ओर प्रस्थान करते हैं। ऊपर पहाड़ी पर पहुंचकर देवथल के लोगों को अपने झंडे से इशारा करते हैं। देवथल के लोग सरयांज के झंडे का इशारा पाते ही पांडवों की पालकी को उठाकर बाड़ीधार की ओर ले चलते हैं। लोग अपनी गाड़ियों से और पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर बाड़ादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। यहां ऐसी मान्यता है कि जो कोई मन्नत मांगता है वो बाड़ादेव उसकी मन्नत को पूरा करते हैं। यहां तक कि जिसको भूत प्रेत लगे होते हैं बाड़ादेव की कृपा से वो भी ठीक हो जाते हैं। सारमा, देवथल और सारयांज से पांडवों की जो सवारियां चली थी अब बाड़ादेव के इस मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। अब पांचों पांडवों के मिलन का समय आ गया है। तीनों जगह से आई हुई पांच पांडवों की मूर्तियों को पालकी से उतारकर मंदिर के अंदर रखा जाता है, पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद लोग बारी बारी आकर पांचों पांडवों के दर्शन करते हैं और अगली बार आने की और अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। लोग खरीदारी करते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां व पकवान मिलते हैं। Thank you.
बाड़ादेव का मेला समाप्त होता है। Thank you.